वेरी एंड कंक्लूसिव ऑर्डर ऑफ मॉड्यूल फोर्टी वन वॉडर्न रेल कैपिटलिज्म मैक्वेबर के आइडिया के मुताबिक रैशनलिज्म को लाना बहुत ज़रूरी था जिसको मैं अक्सर या बाकी फिलोसफर्स कहते हैं प्रेगमेटिसम प्रेगमेटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी आइडलिज्म और रैशनलिज्म जो है वो कॉमन इंटरेस्ट में चली जाती एक आइडियलिज्म है कि मैं यूं फला फला खाप देख कर ऐसा ऐसा कर दूंगा रैशनलिज्म कहती है कि ये क्या आ, अटेनेबल है अचीवेबल है जिसको आपकी आज की मॉडर्न मैनेजमेंट कहती है कि अगर अटेनेबल अचीवेबल नहीं है तो वो गोल ही नहीं है तो पर्पस पैशन परफॉर्मेंस पर्पस तो अगर आपके समझ में आ गया पैशन नहीं है तो परफॉर्म नहीं होगा तो रैशनलिज्म की तरफ आप मैक्स वेबर का आइडिया जिसके अंदर वो मज़हब के अंदर रेशनैलिटी को तलाश करते हैं और वो कहते हैं कि सोशल चेंज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको काम करना है मर्दों को मर्दों का काम करना है ख़वान को ख़वान का काम करना है बच्चों को बच्चों की तरीके से उसी तरीके से बढ़ना है और नए आइडियाज़ को परवान चढ़ाते हुए कैपिटलिस्टिक आइडिया को ऊपर लेके जाना है जिसकी वजह से आपकी रहन सहन आपका उठना बैठना आपकी बूदोबाश आपका कल्चर आपकी ज़रात आपकी ज़रात के अंदर जो यूज़ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर और आपकी जो है ये भी साइंस डेवलप होनी चाहिए कि ज़रात आज इतनी है उसका इनपुट इतना आ रहा है अगले कुछ अरसे के अंदर आबादी इतनी बढ़ जाएगी साइंटिफिक वैल्यू उसके मुताबिक आपकी जो है अगली अरसे की जो ज़रात है वो किस तरह से होनी चाहिए कौन सी फ़सलें कौन सी ज़मीन के ऊपर लगनी चाहिए कौन सी ज़मीन किस को सपोर्ट करती है और अगर बंजर ज़मीन है तो वहाँ पर आपको जो है ईंटों के भट्टे कैसे लगाने हैं आपको प्रोडक्शन की तरफ़ कैसे जाना है अगर आप ऑटोमोबाइल की तरफ चले गए जैसे जर्मनी के अंदर ऑटोमोबाइल बहुत ऊपर चली गई इसी तरीके से कैसे ऐसे ममालिक हैं जहाँ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ज़्यादा होती है जैसे जापान ऊपर चला गया इस तरीके से डिजिटाइजेशन के अंदर चाइना ऊपर जा रहा है समझने की कोशिश ये करें कि मजहबी मजहब के अंदर मज़ब रहते हुए भी आपने आइडियाल आइडियोलॉजी को कैसे चेंज लेना है और आपकी जो सोसाइटल चेंज है वो कैसे मुकम्मल होगा फिर रैशनलिज्म की बात हुई तो कैपिटलिज्म आया कैपिटलिज्म ने रैशनलिज्म को कैसे बढ़ाया लेकिन फासिस्ट नहीं रुथलेस नहीं किसी का हक मार के नहीं खून खराबा करके नहीं आपने अपनी वेल्थ को डेवलप करना है जिसको कैपिटलिज्म कहता है वेल्थ ऑफ नेशन अच्छा इसकी किताब का नाम भी वेल्थ ऑफ नेशन था और अगर आप देखें एडम स्मिथ साहब जो है वो आगे क्या बात करते हैं For Weber, however, capitalism is not defining the uh, future of modern society, but rather one embodiment of more encompassing phenomenon, which is Western rationalism. Western rationalism अच्छा फिनमिना को समझिए फिनोमिना होता क्या है देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो एक फिनोमिना डेवलप होता कुछ अरसे पहले चले जाएं सात सदी पहले चले जाए अरब के अंदर एक फिनोमिना पैदा हुआ बगदाद के अंदर सकूत बगदाद जब हुआ तो एक फिनिना था वो क्या था लोग किताबें पढ़ते थे फ़लसफा पढ़ते थे और काम काज कोई नहीं कर रहे थे उस वक्त ततारी आए चंगेज़ ख़ान आए तातारियों की तरफ आए उस सारी की सारी किताबें उन्होंने दरिया बर्द कर दी और सारा इल इल्म, इमाद इल्म हो गया जोग्राफ़ी का इल्म हो गया सितारों का इल्म हो गया वो सारा इम कहाँ गया तो कहने का मकसद ये है कि वह इलम जब तक प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगा और किसी प्रोडक्ट की फाइनल शेप के अंदर मुझे कोई प्रॉफिट रिजल्ट या बेनिफिट नहीं देगा या इंसानों के काम नहीं आएगा तो खुश्क बैठने से फलसफा झाड़ने से तो यह काम नहीं होगा इसी को एंटरप्रेन्योर की बुनियाद कहते हैं एंटरप्रेन्योर कभी फलसफी नहीं होता फलसफी के साथ साथ फलसफी होता है जब तक उसके फलसफे में जान होकर जब तक वो कोई प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर देता वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता यानी खाली शेयर कहने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होगा आपने कुरान मजीद को में देखा कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर कहना नहीं सिखाया आपने देखा होगा कि तो किसी भी नबी को कभी भी शेर कहना नहीं सिखाया वो प्रोडक्टिव हुआ करते थे तो प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाती है और प्रोडक्शन क्या है कि इंसानों की फ़लाह इंसानों ने खाना खाना है इंसानों ने उठना बैठना है इंसानों की ईज होनी चाहिए अगर कई पुलों के ऊपर से जा कर के उन्हें पानी लेकर आना है और वो नहाने धोने के से तंग है तो ये तो प्रोडक्टिविटी नहीं होती तो सोशल चेंज के लिए जरूरी है कि वो किस फिनोमेना को लेकर आते हैं तो इसके वेस्टर्न रैशनलिज्म ने आपके ईस्टर्न रैशनलिज्म से आगे चले गए ईस्टर्न रैशनलिज्म जैसे मैंने आपको संस्कृत के अंदर बताया कि उन्होंने कोई रैशनलिज्म की तरफ नहीं गए उनके पास सोना बेतहाशा था उनके पास पैसा बेतहाशा था उनके पास बरसात हो रही थी उनके पास फसलें अच्छी थी उनके पास पैसा आता जा रहा था और उनको किसी किस्म के मसले नहीं थे कॉन्स्परेसी वो दबा के करते थे एक दूसरे को लुटवा देते थे डाका डलवा देते थे ताकि दूसरे की जो है वो दौलत हमसे कम हो जाए लेकिन वेस्टर्न रैशनलिज्म ने इस चीज को बढ़ाया और कहा कि प्रोडक्टिविटी करो जी तो कैपिटलिज्म ने कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज डेवलप किया एज प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज फॉर्मली रैशनल सो फार एज देयर मैनेजिंग डिसीजन आर कॉन्सेंटली कॉन्स्टेंटली गाइडेड द इंपर्सनल एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू यहां बहुत इंपॉर्टेंट है द कॉस्ट इन रेवेन्यू जो मेरी पूरी गुफ्तू की यानी, का मतलब है इट शुड बी क्वान्टिफाइबल अगर मैं क्वान्टिफाई नहीं कर सकता यानी क्वालिटेटिव नहीं क्वानिटेटिवली मुझे टेंजिबल ठोस असेसमेंट ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू चाहिए मैंने कितना इनपुट किया आज मेरी जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितनी है मैंने ब्रेकिंग वन पिकअप जाना है मैंने प्रॉफिट वेंचर्स में क्या करना है अगले कुछ अरसे के अंदर मार्केट चेंज हो जाएगी तो मैंने किस एरिया के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है ओकेजन वेबर आइडेंटिफाई वट ही वेरियसली रेफर एज टू प्री सपोजिशन और कैपिटलिज्म इसको जरा तीनों चीजों को आपस में स्मुलेट कीजिए ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा जरूरी है देखिए कॉज कॉज क्या है? हर का एक एक इफेक्ट इफेक्ट होता है एक के कई होते हैं 10, 15, 20, 25, 30 होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मेरे में दर्द है मैं पैराडोल नहीं खा सकता लेकिन अगर मेरे गुर्दे में दर्द है तो मैं पैराडोल खा लूं नहीं ये भी जरूरी नहीं है मेरे सर में दर्द है और किस नोत की दर्द है जरूरी नहीं है कि मेरे सर के दर्द भी पैराडोल खत्म करे मुमकिन है मुझे पैरासिटामोल की तरफ जाना पड़े उसके साइटमोल्स की तरफ जाना पड़े या मुझे आपका सॉल्ट चेंज करना पड़ जाए मुमकिन है कि दिमाग के अंदर खुदा ना खास था कुछ और था और मैंने टेस्ट किए बगैर एक चीज़ ले ली मुमकिन है पेनाडोल की वजह मुझे एसप्रीन बेहतर है और खून के दबाव की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से दर्द हो गया या किसी और रीजन की वजह से हो गया या कोई और तकलीफ की वजह सो हमें कॉजेज़ देखने होंगे कि उसके सिमटम्स क्या हैं सिमटम के अंदर हम प्रीजामशंस नहीं देख सकते फिर हमें करेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे कि किन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चीजें फॉर्म हो रही अमेरिका का सिस्टम अगर हम देखते हैं तो वहां पर अगर चार्टर प्लेन और ये और स्टॉक मार्केट के अंदर बैरिश आइडियाज आ गए तो बोल एंड बैरिश और मनी मार्केट के अंदर जो मिनिपुलेशन शुरू हो गई डॉलर मार्केट का उठना डॉलर मार्केट का बैठना कमोडिटीज का उठना फिर फैक्ट्री प्रीजाम मार्केट को बढ़ाना और फिर अलग अलग वेरियंट्स को डिवेलप कर देना मार्केट यकदम उठ गई मार्केट बैठ गई और जो फायदे वालों को फायदा हुआ नुकसान वालों को नुकसान हुआ क्रिएट कर दी गई सो so, इसका मतलब है हमें कॉजेस को प्रीज़म्पशन को और फिर डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स को आप आपस में सिमुलेट करना पड़ेगा सो so, आगे वो क्या कहते हैं दीज करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड वॉट प्राइवेट ओनरशिप वन सेकेंड फ्री लेबर फ्री मार्केट एंड कैपिटल अकाउंटिंग यहां पर हम देखते हैं फिर देन उसका टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन कैलकुलेबल लीगल एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फिर कमर्शलाइजेशन और सेपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड एंड बिजनेस ये डेवलप करता है हमारे आइडियाज़ को अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप फ्री लेबर टेक्नोलॉजिकल मैकेनाइजेशन कमर्शलाइजेशन अब इसको मैं होल होलिस्टिक मॉडल में कन्वर्ट करता हूं तो आपका टोटल में आपको देखेंगे कि ये सेपरेट करती है और ये करेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो कंक्लूसिव स्ट्रक्चर्ड कैपिटलाइजेशन या कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को डेवलप करते हैं अब इसके अंदर डीरेगुलेशन कीजिए या रेगुलराइजेशन कीजिए मॉनिटरिंग कीजिए या इसको अनमोनीटर्ड रहने दीजिए आप इसको अंदर थोड़े से फिक्सेटेड मॉडल्स को ले आइए इसको प्लान करने की कोशिश कीजिए इसको 80 परसेंट प्लान कर दीजिए या टोटल फ्री रहने दीजिए ये आपको आपके स्ट्रक्चर आपके कल्चर और आपकी आइडियाज के मुताबिक डेवलप करने पड़ेंगे सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द मॉडर्न रैशनल कैपिटलिस्टिक करेक्ट्रिस्टिक थैंक यू वेरी मच